हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ टेक्निकल आश्रम। दिस इज अभिजीत गुप्ता एंड फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट इंटरेस्टिंग टेक्निकल अपडेट्स को लेकर। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो एंड हैव अ लुक टू द लेटेस्ट इंटरेस्टिंग टेक्निकल अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हाँ, मैंने गले में क्या पहन के रखा है। सो फ्रेंड्स, ये है सेनहाइजर के 7.0 CXPT हेडफोन्स, जो कि मुझे मिल गए हैं गूगल पिक्सल 2 XL के साथ, जो कि आया है 2 दिन पहले ही। और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने नहीं की बिकॉज मुझे लगा कि आप अच्छे से जानते ही हैं इस हेडफोन्स को। और ये रहा आप सबका फेवरेट गूगल पिक्सल 2 XL, जो कि कुछ ही दिनों में मिल जाएगा आप में से किसी एक को गिव अवे में। सो फ्रेंड्स, अभी तक इफ आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है कॉन्टेस्ट में, तो जाके देखिए गूगल पिक्सल 2 XL का वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट भी कर दीजिए कि आपको गूगल पिक्सल 2 XL क्यों पसंद है, क्या खासियत है, और आपको नहीं पसंद है तो आपको क्यों नहीं पसंद है। तो शायद आपको आप में से किसी एक को मिल जाए गूगल पिक्सल 2 XL, तो पार्टिसिपेट करना ना भूले। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अभी के कुछ लेटेस्ट इंटरेस्टिंग टेक्निकल अपडेट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला अपडेट यहाँ निकल के आता है एप्पल के फोल्डिंग आईफोन्स को लेकर। सो फ्रेंड्स, टिल 2020 एप्पल ने डिक्लेयर किया है कि वो मार्केट में लेके आ जाएगा फोल्डेबल आईफोन्स, जो कि फोल्डेबल स्क्रीन्स के साथ होंगे, और उसके एक पेटेंट बाहर आ गई है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि 2020 तक हमें मिलता है कि नहीं। और सैमसंग ने तो कह दिया है कि वो हमें फोल्डेबल फोन्स दे देगा टिल 2018, सो जो सबसे पहले फोन लेके आएगा उसके फोन हम लेके यूज करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट यहाँ निकल के आता है वो है नोकिया को लेके। सो फ्रेंड्स, नोकिया 8 में एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट आना स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, जिसके पास भी नोकिया 8 है वो एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट डाउनलोड कर सकता है अपने नोटिफिकेशन बार में जाके। अगर इफ आपको नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप जा सकते हैं अपने सेटिंग्स में और उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट। और अगर अभी तक आपको नहीं मिला तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट यहाँ निकल के आता है वो है उबर को लेके। सो फ्रेंड्स, उबर ने पार्टनर कर लिया है महिंद्रा के साथ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कार डिप्लॉय करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द हमें इंडिया की सड़कों पे भी दिख जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कार्स, जिसकी बहुत ज़रूरत है यार, फ्यूल बहुत महंगा हो गया, नहीं पोसा था। सो फ्रेंड्स, अगला जो अपडेट यहाँ निकल के आता है वो है वन प्लस 5T को लेके। सो फ्रेंड्स, वन प्लस 5T का जो सेल था, प्रीव्यू सेल अमेजोन पे 1 आवर का, उसमें वन प्लस 5T कुछ ही समय में फुल हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो इतना सारा पसंद आ रहा है लोगों को, और ये पर्सनली मेरा भी फेवरेट फ़ोन है बिकॉज यार अभी गूगल पिक्सल 2 XL मिला है, थोड़ा इसको भी यूज़ कर लूँ तो इसको भी बुरा नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, ले लेंगे थोड़े टाइम में वन प्लस 5T को भी। सो फ्रेंड्स, अगला और आखिरी अपडेट यहाँ निकल के आता है शाओमी को लेके। सो फ्रेंड्स, शाओमी और नवंबर 30 लॉन्च करने वाला है देश का स्मार्टफोन, जो कि बीट करेगा जियो के फ़ोन को जो मिल रहा था 1500 में, वो उसको बीट करने का दावा कर रहा है शाओमी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या फीचर्स आते हैं इस फ़ोन में, और नवंबर 30 को पता चल जाएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज यही थे कुछ आज के इंटरेस्टिंग टेक्निकल अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल अपडेट्स। टिल देन, दिस इज अभिजीत साइनिंग ऑफ, एंड आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज रोज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोज लेके आता रहूंगा। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू, टाटा।